इस धरती पर एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे पूरी सृष्टि चलती है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। हिंदू पुराणिकों के अनुसार इस महादिन के कई महत्व हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था। तब स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और वे नीलकंठ कहलाए। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और महत्व यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप है, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। सभी को नमस्कार और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।